अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्कत के खुद विलेज में, और ये एक फ़ार्म हाउस के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर है। ये तकरीबन 900 स्क्वायर मीटर का घर है। इसके बाहर देखें तो बहुत बड़ी उन्होंने जो सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पर कोई दावत वगैरह पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, जब सर्दियों में गर्मियों में तो नहीं बैठ सकते। और बहुत ही शानदार इसका जो मेन डोर है और इसकी जो मेन एंट्रेंस है, लॉबी है, बहुत खूबसूरत है वो भी, ये देखें। इसके अलावा ये जो सामने सिटिंग एरिया है, ये देखें, इसकी हाइट जो है वो डबल हाइट है। बहुत कुशादा घर है। कुछ सर्वेंट रूम है इस साइड पे, जो है वो सिटिंग एरिया है, खाना वगैरह खाने के लिए भी, कुछ मजलिस वगैरह भी वैसे बैठ सकते हैं इस एरिया में। ये उमानी घरों में तकरीबन होती हैं, ये मजलिस इसको कहते हैं। ये कोई ऑफिस वर्क के लिए भी जगह इसमें है। ये टीवी लाउंज है, और बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा टीवी लाउंज है। इसके साथ ही पीछे बेडरूम्स हैं, बहुत बड़े बड़े खूबसूरत, ये देखें। और बेडरूम के बाहर देखें, विंडो के बाहर जो नेचुरल जो है ब्यूटी है, ये वॉशरूम भी बहुत खुले खुले हैं, साफ़ सुथरे। इसके अलावा ये एक मास्टर बेड है, बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत बेडरूम है ये वाला। इसकी हाइट भी इन्होंने अच्छी दी हुई है, तकरीबन कोई 14 फीट तक। ये दूसरा एक बेडरूम है, ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा, बहुत कुशादा बेडरूम है। और दूसरा ये कि विंडो से बाहर बहुत अच्छा मंज़र है, नेचुरल, देखें, फार्म हाउस के अंदर है तो जारी बात है वो ऐसा खूबसूरत सा मंज़र होगा। और इसका किचन देखें तो किचन बहुत बड़ा किचन है, इतने तकरीबन तो आप कह लें कि बेडरूम्स भी नहीं होते। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है, सिंक है। किचन के बाहर भी आप देखें तो बहुत खूबसूरत मंजर है, खजूरों के दरख्त हैं, नीम के दरख्त हैं। ये फ्रिज के लिए इन्होंने कबर्ड बनाई हुई है, फ्रिज इसके अंदर ही फिक्स है, तीन पोर्शन है फ्रिज के, ये इस कबर्ड्स के अंदर ही हैं। बाहर से देखने में लगता है जैसे वैसे कोई कबर्ड है। और ये स्टोर रूम है इसका, ये भी काफ़ी बड़ा है, और बहुत अच्छा इसको मैनेज किया है इन्होंने स्टोर रूम को, और कलर भी अच्छा, बहुत सादा सा, बहुत फार्म हाउस की मुनासिबत से इन्होंने रखे हुए हैं सारे टाइल्स के कलर, देखें। ये सर्वेंट रूम है इनका, कुछ जो घर में काम करने वाली कोई लड़की होगी वो इधर रह सकती है, देखें। सीलिंग बहुत खूबसूरत है, और हाइट इसकी जो है वो है, ऊपर जो इन्होंने ग्लास वगैरह लगाए वो भी अच्छे हैं। बुक्स की कलेक्शन इन्होंने काफ़ी रखी हुई है इस घर के अंदर, इंग्लिश और अरबिक में। और ड्राइंग्स देखें, पेंटिंग जितनी भी हैं वो फार्म हाउस की मुनासिबत से बहुत ही खूबसूरत, बहुत उम्दा पेंटिंग्स हैं। टीवी लाउंज के अंदर और बाकी हॉल्स में, कुछ कमरों में भी इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। ओवरऑल घर का व्यू देखें तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा है। और साइज़ जो कमरों के, किचन के, बाथरूम के, वो बहुत ज़बरदस्त रखे हैं। ये पेंटिंग देखें, ये बहुत पुराने वक्तों की। और ये सिटिंग एरिया, ये भी बहुत अच्छा है। इसकी बैक साइड में देखें तो एक लॉन है बैक साइड में, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। वहाँ पे भी इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और बैक साइड से भी आपको बाहर से आके भी इसका व्यू जो है वो दिखाऊँगा। देखें, बहुत लंबा बहुत बड़ा गार्डन बनाया है इन्होंने बैक साइड पर, ना लॉन वगैरह बैठने के लिए, वॉक करने के लिए। और चेयर्स वगैरह रखी हैं इन्होंने दोनों साइड में। नीम के दरख्त देखें बहुत ज़्यादा हैं, वो जिसकी वजह से बहुत खूबसूरती है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। नीम का फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पे उनको पानी कम चाहिए होता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखें, जो दरवाज़े या खिड़कियाँ सब वुड की हैं, या कर्टन बहुत खूबसूरत लगाए हैं। सबसे मेन चीज़ जो है ये, हर तरफ से घर खुला हुआ है, ग्रीनरी है, किसी भी विंडो से देखें तो वुड की वजह से जो है ना, वो विंडो और डोर बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब तो नॉर्मली एलुमिनियम वगैरह के या पीवीसी के यूज़ किए जाते हैं। ये बैक साइड से घर का व्यू देखें तो ये बहुत खूबसूरत सूरत है।